झांसी तहसील मुख्यालय टहरौली के सामने आमरण अनशन का हुआ शुभारंभ। टहरौली आज तहसील टहरौली के कार्यालय के सामने आज गुरुवार को समय 1 बजे आमरण अनशन करने वाले बाबू सिंह यादव, पत्रकार जहर सिंह यादव, सुरेंद्र प्रजापति को श्री हरगोविंद कुशवाहा राज्य मंत्री तिलक एवं फूलमाला पहनकर स्वागत किया। फीता काटकर आमरण अनशन पर बैठे लोगों का उत्साह वर्धन किया। निम्न मांगों को लेकर आमरण अनशन जारी है। बुंदेलखंड प्रांत बनाओ, टहरौली को जिला बनाओ, टहरौली को विकास खंड बनाने हेतु टहरौली के बमनुआ को नगर पंचायत का दर्जा देने हेतु राजकीय महाविद्यालय का सरकारी भवन टहरौली में बनाने को शासन तक भेजने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पत्रकार मीडियागढ़ अंकित गौतम, संजय कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा, संजय चिरगांव, गौरव कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, राष्ट्रपाल सिंह यादव, एडवोकेट शिव मोहन, एडवोकेट घनश्याम सिंह यादव, एडवोकेट राजपाल, मिथिलेश पाल, विवेक यादव, सोनू गुप्ता, चंद्रवान, एडवोकेट रामचरण कुशवाहा। बुंदेलखंड प्रांत बनाओ, टहरौली को जिला बनाओ, टहरौली में विकास खंड बनाओ और नगर पंचायत का दर्जा दो टहरौली को और महाविद्यालय के भवन बनवाओ, आदि मांगों को लेकर हम यहाँ पर हमारे अनशन कर रहे हैं। आपके साथ में कौन कौन है, कितने लोग बैठे हैं? मेरे साथ 3 आदमी बैठे हैं, एक तरफ जहर सिंह, दूसरी तरफ हमारा सुरेंद्र प्रजापति। आपकी जो मांगे हैं तो क्या क्या है आपकी जो विशेष मांग? हमारी सबसे पहले बुंदेलखंड प्रांत बनाओ, दूसरी मांग है टहरौली जहाँ से उत्तर प्रदेश को जनपद बनाओ, तीसरी मांग है टहरौली बबनुआ को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा दो, चौथी मांग है टहरौली को ब्लॉक विकास खंड बनाओ और उसके साथ जो जमीन दे दी गई उस पर नाम दर्ज हो, पांचवी मांग हमारी ये है का नाम हो जो हमने राजकीय महाविद्यालय के नाम से जमीन दी उस पर शासकीय राज विद्यालय का भवन बनाना जरूरी, आदि मांगों को लेकर हम अनशन कर रहे हैं। जैसे कि टहरौली में तमाम प्रकार की सत्ता में नेतागण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो इन लोगों ने अभी तक टहरौली के लिए क्या क्या किया? देखिए अभी तक हर सप्ताह में जो रहते हैं लोग वो अपने आप पहले जो बढ़ते हैं इसके बाद नेतागिरी करते हैं। यहाँ पे जितने भाजपा के नेता हैं या विधायक जी हैं वे ये कोई चीज सप्ताह के कोई शासन के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, संविधान के अंतर्गत हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, न कि किसी बात की बापोती मांग रहे हैं। किंतु विधायक जी मऊरानीपुर क्षेत्र से बनते हैं, आते हैं और नाम ही हमारा विधानसभा का मऊरानीपुर विधानसभा, जिसके कारण हमारे टहरौली क्षेत्र पूरा मऊरानी में है, तो वो विधायक अपनी मऊरानीपुर की जो बात करता है टहरौली के विकास की बात ही नहीं करता। यदि हम उसे बुलाते, आज भी बुलाया था मैंने कि मानवर जी आप हमारी समस्या को सुन ले, बोले मुझे फुर्सत ही नहीं है भाई, मेरी कोई सुनता ही नहीं है सत्ता में। क्या टहरौली के वो लोग वोट नहीं देते हैं भाई? आज एक नई बात कह दूं आप, टहरौली में मऊरानीपुर जो विधानसभा है उसमें टहरौली क्षेत्र के जो 151 गांव है वहां से ही लोग जीत के जाते हैं, हर वक्त जिसको जिताना हो वो भाजपा के अभी अपना दल के थे वे तो पहले यहाँ से मऊरानीपुर में खुद हार जाती है, इसके बाद भी हमारी नहीं सुनती, अभी भी मऊरानीपुर की बात करती है। जैसे कि आजादी को 70 और 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक आपके टहरौली में कोई ऐसा विकास का कोई कार्य या कोई सत्ता ने नहीं हुआ? ये सिर्फ सत्ता में हुआ जब भाजपा की सरकार थी, श्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, जब हम खुद उसकी पार्टी में थे तो हमें ये तहसील बनने को मिल गई, मेरे तहसील भी नहीं बनी तहसील तो वहाँ जाएगी टोड़ी फंसे। आपको क्या लगता है, आप जो आमरण अनशन पर बैठे हैं तो आपकी मांग क्या पूर्ण होगी? आशा तो करते हैं कि अधिकारी आएगा, कोई तो कोई बात करेगा, नहीं करेगा तो मर जाएंगे, कब तक भाव पड़े? आप कुछ लक्ष्य लेकर बैठे अपनी मांगों को कि जब तक आपकी मांगे पूर्ण नहीं होंगी? जब तक कहना हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम आमरण अनशन से नहीं हटेंगे।